इलाहाबाद से कुल्लाड़ इरका था भाई साहब, और यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा है, पीसफुल है और खूबसूरत है। ये देखिए मैंने सोचा कि सारे स्ट्रीट फूड दिखाते दिखाते आप लोग को ये भी दिखा दूँ और सैर करा दूँ। और दोस्तों एक बात बताऊँ कि बारिश हो रही है कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के 2 से 3 कपड़े हम लोग चेंज कर चुके हैं। इससे पहले आप मेरी शर्ट अलग देखते रहे होंगे, अभी अलग है, तो इसलिए कि घर पे जाते हैं जब पूरा भीग जाते हैं, बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर जाके घर पे जाके चेंज करके चले आते हैं, फिर जहाँ पे वीडियो बना रहा होता वहाँ पे वीडियो बनाने चले जाते हैं। और निशान भाई बेचारे बड़े मेहनत कर रहे हैं, जो जो चीज़ें मशहूर है जहाँ जहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो देख के भी अच्छा लग रहा है, बनारस को घूम के अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ यार अच्छी चीज़ देख रहे हैं, बनारस में भी अपनी बहुत खूबसूरती भरी है। यानी सबसे बड़ी खूबसूरती है जो घाट वगैरह नदी है ना, सबसे बेस्ट मुझको लगा कि अगर आपको घूमना है तो यहाँ पे ज़रूर आइए, देख के तबीयत खुश हो जाएगी। नहाना है भाई अपनी हिम्मत रही है भाई, इतने पानी में नहाने की, ना नाव पे चढ़ना है ना नहाना है। अच्छा वो जो बोट होती है ना, जो जैसे इंडिया गेट पे मुंबई में वैसी बोट, बड़ी रहे तो हिम्मत भी कुछ पड़े, छोटी छोटी बोट है, इसमें अपनी हिम्मत नहीं है, एकदम डर लग रहा है कि भाई ये पता नहीं कहीं पलट उलट गई तो फिर क्या होगा, इसलिए हिम्मत नहीं है, लेकिन देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 80 घाट पे आके तो भाई साहब का मन ही नहीं कर रहा है कहीं जाने का और घुमाने का, लेकिन यहाँ से चलते हैं, कुछ और मशहूर स्ट्रीट फूड है वहाँ पे लेकर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि भाई बनारस में और क्या बेहतरीन मिलता है। या जितना ऊपर चढ़ते जाओ उतना बेहतरीन व्यूज़ होता जाता है। देखिए बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है गंगा, गंगा नदी फर्स्ट टाइम मैंने देखा है इतने करीब से, वरना कभी भी आते जाते दूर से पुल के ऊपर से ही क्रॉस हो जाते थे, नज़दीक से तो कभी देखा नहीं था। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देख के, और यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, पीसफुल है और खूबसूरत है। ये देखिए है रोहित भाई साहब, जिशान भाई के दोस्त और हमारे भी प्रिय मित्र हैं, और ये हमको लिवा कर आए हैं कहाँ पे भाई बता दीजिए। हम लोग राहुल टी स्टॉल पे हैं, राहुल टी स्टॉल है जो कि बनारस आउटर रिंग रोड पे है और बहुत ज़्यादा मशहूर यहाँ की चाय है। तो अभी तो पूड़ी तो खा लिया, अब चाय भी यहाँ से पी के देखते हैं कि ये भाई यहाँ की चाय कितनी मशहूर है, क्या है इसमें टेस्ट। जिशान भाई बोल रहे थे कि भाई अपनी जायका वाली चाय है एकदम। और ये देखिए ये रिंग रोड है और यहाँ पे ये टी स्टॉल है, आप लोग देखिए पब्लिक एकदम टूट पड़ी है चाय पीने के लिए। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा दूध चाय की दुकान पे, लेकिन इनका ये दूध देखिए इतना सारा दूध है क्विंटल के हिसाब से, और ये सिर्फ चाय बनाने के लिए है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग कहाँ से हैं भाई? हम लोग यही लोकल बनारस में हैं, लवई में हम लोग का है। अच्छा, लेकिन यहीं पे आते हैं चाय पीने? एकदम बराबर यहीं आते हैं, यहाँ की चाय का बात कभी नहीं बताता, यहाँ की चाय जो है सर बेस्ट है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज तो और है कि चाय तो बहुत अच्छी होगी, अभी पिया नहीं, लेकिन इसका ये देखिए कुल्लड़, क्या डिजाइनर कुल्लड़ है, चाय से ज्यादा ये कुल्लड़ पे लोग दिल दे बैठेंगे। आप लोग ये कहाँ से बनवाते हैं? इलाहाबाद से कुल्लाड़ इनका आता है भाई साहब, ये लोकल चाय की टपरी ना समझिए, बड़ी फेमस है ये, आगे चल के ना यहाँ पे भी लोग आने वाले हैं चाय पीने के लिए। जैसे बनारस का बनारसी पान मशहूर है, बनारसी साड़ी मशहूर है, वैसे बनारस की चाय मशहूर होने वाली है। रात में पूरा भरा रहता, पूरा वहाँ से लेके वहाँ पूरी, कम से कम तो हजारों की तादाद में बहुत लोग आते हैं, दो रात में चाय पीना, दो रात की माफी मिलेगी। वाओ, शाम को आइए, बोल रहे हैं भाई कि भैया शाम को आइए, ले लीजिए, हम लोगों ने चाय लिया अपनी। इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा अच्छा देखने में है, टेस्ट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, टेस्ट देखता हूँ कैसा है। एसेंस ऑफ इलायची आए है, इलायची का फ्लेवर सबसे पहले मिला, चाय बहुत अच्छी है, वाकई में अच्छी है, तारीफ के लायक है।